मैं 24 घंटे, मैं 20 घंटे काम करता हूँ, नहीं तो इस गाने में मैंने दिन रात 2 महीने लग गए थे। डोरीमोन 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 बहुत सटीक है, मुझे भी अमित सैनी रोहतकिया की तरह सिंगर बनना है। अबे क्या उस गांडू की तरह बच्चों दिखाएगा खम खम। एक काम कर, पेंट खोल और गान मरवा ले मुझ पे भोसड़ी के। ले भोसड़ी के माइक, ले लोड़ा लोड़ा माइक। अब खुल के गाना बंद करूंगा, लेकिन लिरिक्स कौन लिखेगा? ओ भोसड़ी वाली सुजो का, ले तू मेरा गाना सुन। डाकू मारो बहन के लौड़े को। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है ठीक होगे, जिंदगी बढ़िया चल रही होगी और बढ़िया चलनी भी चाहिए यार। तो आज मैं मिलाऊंगा आपको एक ऐसी हस्ती से जिसको पैदा किया गया है जबरदस्ती से। मैं मिलाऊंगा आपको हरियाणा के चहलते पहलते उबलते बुलबुलाते हुए सितारे से, अमित सैनी रोहतकिया। तकिया? नहीं नहीं नहीं, ये वो वाली तकिया नहीं है, ये रोहतक के रहने वाले हैं इसीलिए उन्होंने रोहतकिया लिखा है। देखो मेरे हिसाब से ये रोह टकलिया होना चाहिए था, अमित सैनी रोह लिया टकलिया। अच्छा लग रहा है नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टकले बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनका हेयर स्टाइल पे आपने ध्यान से देखा हो तो आपको किसी टिकटॉकर की याद आ जाएगी। नहीं देखा ना ध्यान से? चलो अब देखो। ओह माय गॉड, वाओ। सही सही बताना, याद आ गई ना जोकर की? सिर्फ वाली नहीं, इसका थोबड़ा भी उससे मैच खाता है। तो अब आते हैं इसके असली कारनामों पर। तो अपने छोटे छोटे से कानों में छोटे छोटे से ईयरफोन डाल लो और शुरू करते हैं बिना किसी चूतियापंती के। म्यूजिक। आए हाय हाय, तेरी जुल्फें साले चूतियों के सरताज। अरे मेरे भाई, यहाँ गाना गाना है, रोना नहीं है। क्या रंडी रोना कर रहा है तू? और एक मिनट, ये पीछे क्या कर रहा था उसके? टपा डप टपा डप टपा डप। अबे खुले में ही चालू हो गए, कुछ तो शर्म रखो सालो। बहनचोद टेडलैंड की तरह हमेशा अपनी गर्दन को टेढ़ी रखता है, लेकिन इसका भी एक कारण है। एक बार ये स्कूल के बाथरूम में मुठ्ठ मार रहा था तो इसे एक टीचर ने देख लिया। उस स्कूल के प्रिंसिपल ने इसको बेंच पर लिटाकर इसकी इतनी मारी कि इसकी गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। उसके बाद से इसकी ऐसी ही शतुरमुर्ग जैसी गर्दन हो गई। अबे बेटी चोद, गर्दन में नच कहा जाएगा भोसड़ी के। लेकिन नहीं, बहन के लोड़े को स्वैग झाड़ना है। पर ये गाने की लाइंस को इस तरह इसीलिए बोल रहा है ताकि किसी के पल्ले ना पड़े। क्या हुआ यार ये, क्या बहन चोद? थोड़ी देर पहले तो ये जेल में था, साला डाकू बन रहा था बहुत बड़ा, इतनी जल्दी तरक्की, डायरेक्ट पुलिस वाला। ये भैंचो सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादर चोद के बच्चे। आए हाय हाय, नजर ना लगे तुझे भोसड़ी वाले, साले ये कहीं रजनीगंधा तो नहीं खाता है? नहीं, इतनी जल्दी सफलता तो उसी से मिलती है। कुछ कर ऐसा, दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, रजनीगंधा। ना 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 यार, मुझे नहीं बनना इसके जैसा, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा इसके जैसा। तो यार कोई भोजपुरी गाना गा लूंगा, लेकिन नहीं यार, इसने तो हरियाणवी गानों की बिल्कुल माँ चोद रखी है। साले इनकी वजह से हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत पीछे चल रही है। इसके बावजूद पता है ना क्या लगता है, लोग खुद सुनो। और अमित सैनी रोहतकिया हरियाणा का लीजेंड बनेगा भाई। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। क्या बात है, वाह, हरियाणा का लेजेंड बनना है इसे। बेटा तुझे लेजेंड बनना ना, तो एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। बस यही कर, क्योंकि इस चूतियाबंदी से तो बिल्कुल भी लेजेंड नहीं बनने वाला। वैसे कहने को तो ये प्रोफेशनली सिंगर हैं, लेकिन ये सारे के सारे बदमाशी के गाने बनाते हैं, जैसे कि विवाद, गुंडा विवाद, टू अपराधी, मोस्ट वांटेड, बहुत सारे यार। और कुछ आता नहीं है बहन छोद, ये बहुत बड़ा बदमाश है। ये अपने कच्छे में हाथ डालकर अपने लौड़े को बाहर निकालकर सामने वाले से कहता है कि अपने हाथ खड़े कर दो वरना गोली चला दूंगा। चलो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा इनके लिरिक्स पर भी ध्यान डालते हैं। ये कहना चाहता है कि इसको प्यार हो गया है, जिसकी वजह से ये बंदूक भी नहीं चला पा रहा है। अबे साले, बंदूक चलाने के लिए थोड़ा बंदूक की ओर करना पड़ता है।
ਢੋਲੀ ਕੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਨੀ ਸੰਨ ਲਾਗੇ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾਗੇ ਸੁਣ ਲੈ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲੀ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुंह कहीं और फाड़ रहा है, गोली कहीं और चला रहा है, लौड़ा पहन चुद लौड़ा लगेगी गोली। लेकिन तुमको पता है यार, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। माना कि भाई प्यार अंधा होता है, लेकिन इसका प्यार अंधा गूंगा बहरा बावड़ा सब कुछ हो गया है। और कोई यार इनसे समझदारी की बात भी करता ना तो ये लाइव आकर ये बकचोदी करते हैं। ये मेरा गाना सुना फिर भी चूतड़ भी मरते चढ़ा है, कोई बात हुई? तूने बनाया है क्यों मादरचोद? बेटा इस बहम में मत रहियो कि कोई तुझसे जलता है, किसी का झांट का बाल तक नहीं जलता तुझे देख के, और तू गांड की बात कर रहा है। यार लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, सही बता रहा हूँ यार, ये कैसा प्राणी है गंडमर बहन चोद। चलो यार बस अब बहुत हो गया यार, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर तुम अमित सैनी रोहता क्या के फैन हो तो यार क्या सोच रहे हो, तुम्हें तो थंबनेल देख के ही अनलाइक कर देनी चाहिए थी वीडियो। लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, थैंक यू आपने पूरी वीडियो देखी। और हाँ एक बात और, अमित भाई से कोई ऐसी पर्सनल हेट नहीं है, कभी तुम मेरी बीवी चोदो। ऑफ कोर्स यार मैं भी उनकी गाने सुनता हूँ, तो ये तो बस मैंने मजाक के लिए बनाई है ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, तो यार इसे बिल्कुल भी पर्सनल ना ले और बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना प्लीज़ यार इसे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना यार, हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, अच्छा अनलाइक कर देना लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ओके बाय। आदेश, कैमरा लेकर आप पहन चोद, आज हम भी बकचोदी करेंगे 18 घंटे। म्यूजिक